नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ महाभारत की कथा के कुछ अंश को जानने की कोशिश करें। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के चरित्र और परस्पर संघर्ष का वर्णन है। इसके पहले अंश के बारे में जानते हैं। पहला अंश द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी के स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी आदमी ऊपर घूमती हुई मछली की छवि नीचे पानी में देखकर उसकी आंख पर तीर कमान से निशाना साधेगा, उसी आदमी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन ने इस शर्त को पूरा किया और द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? अर्जुन जब द्रौपदी से विवाह कर उसे घर लाया तो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर बाकी भाइयों ने कहा, माँ बाहर आकर देखो आज अर्जुन क्या जीत कर लाया है। माता ने अंदर से ही जवाब दिया, बेटा जो भी जीत कर लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। माता का वचन मिथ्या ना जाए इस कारण पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया और इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। इसके तीसरे अंश में हम पढ़ते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि दुर्योधन पांडवों से बहुत खार खाता था। वह पांडवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे उन्होंने राज्य से निकाल भी दिया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंचकर अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर बहुत निराश हो जाते हैं कि मुझे इनसे युद्ध करके अपना राज्य वापस पाना है, और वह युद्ध करने के लिए पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं कि उन्हें सिर्फ कर्म करना है, अपने कर्म पर ध्यान रखें और अपना आगे बढ़ें। इस तरह यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। यह युद्ध 18 दिन तक चला और इसमें जीत अंत में कौरवों की हुई। कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की जीत हुई और हस्तिनापुर पर पांडव शासन लागू हो गया। कई साल राज करने के बाद पांडव भी इस राजपाट को छोड़कर स्वर्ग की खोज में निकल पड़े और युधिष्ठिर का स्वामी भक्त कुत्ता भी उसके साथ गया।